नमस्कार दोस्तों, आरसीएन न्यूज में एंड ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन न्यूज 2019 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जूनियर असिस्टेंट के ज्वाइनिंग डेट के बारे में, साथ ही साथ बताऊंगा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा तिथि की सूचना के बारे में। आखिरकार एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा की तिथि की सूचना कब तक दी जा सकती है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, और बताऊंगा फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का रिजल्ट कब तक घोषित किया जा सकता है। आज इन तीन विषयों पर चर्चा की जाएगी। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे कि सर जूनियर असिस्टेंट के बारे में कुछ बताइए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में कुछ बताइए, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों आज मैं सबसे सही और सबसे सटीक न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज मैं आपको सबसे सही न्यूज़ दूंगा, सबसे सटीक न्यूज़ दूंगा। अगर आरसीएन न्यूज़ चैनल पर आप नए हैं तो आरसीएन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अगर आपको सही और सटीक न्यूज चाहिए तो आरसीएन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सही सटीक न्यूज नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में केवल भद्दे कमेंट करना है, तो और यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आरसीएन न्यूज चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं जूनियर असिस्टेंट अभ्यर्थियों के हाथ में नियुक्ति पत्र कब तक वितरित किया जाएगा। जितने सेलेक्ट जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार हमारे हाथों में ज्वाइनिंग लेटर कब तक दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, विभाग का आवंटन भी हो चुका है और उन्हें यह पता चल चुका है कि हमारा विभाग यह है, मुझे इस विभाग में ज्वाइन करना है, तो उन अभ्यर्थियों को मैं यह अवगत करा देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको यह सूचना मिलेगी कि इस तारीख को आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, जिससे आप अपने विभाग में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वह तारीख कौन सी है इसके बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। जो मैं तारीख बता रहा हूं आप उसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 13 फरवरी से 18 फरवरी के बीच आपको यह सूचना दी जाएगी कि किस तारीख को आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। संभवतः 25 से 27 फरवरी के बीच में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों के दिमाग में यह सवाल होगा कहीं ज्वाइनिंग लटक ना जाए, आचार संहिता ना लग जाए। तो दोस्तों जो कार्य प्रक्रिया में होता है उस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए जितने जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं वह चिंता ना करें। जो डेट आरसीएन न्यूज चैनल बताया है आपको उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए और 25 से 27 फरवरी तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, आप अपने विभाग में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, विभाग आवंटन हो गया है, आपको यह पता चल चुका है कि आप किस विभाग में जाएंगे, बस नियुक्ति पत्र लेकर जाकर ज्वाइन कर लेना है। फरवरी 25 से 27 के बीच में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, आप यह मान लीजिए। आरसीएन न्यूज चैनल जो भी जानकारी देगा आपको सही और सटीक जानकारी देगा। बहुत से यूट्यूब चैनल वालों ने आपको जानकारी दिया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे एक नहीं अनेक चैनल हैं। कुछ जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी भी होंगे जो चैनल बनाए होंगे, अपना कर रहे होंगे, चैनल चला रहे होंगे, जो आपकी भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आरसीएन न्यूज चैनल जो भी न्यूज देगा सही और सटीक न्यूज देगा। और आरसीएन न्यूज चैनल पे आप सभी विश्वास बनाए रखें, आपको इसी प्रकार से सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी, बस आरसीएन न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा के बारे में। आखिरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा तिथि की सूचना कब तक दी जा सकती है। जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कब इसका डेट आए, कब डेट आए, कब परीक्षा की तिथि आए, जिससे हमें एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा में बैठने का मौका मिले और मुझे जॉब मिल सके। बहुत से अभ्यर्थियों ने हमसे कमेंट करके पूछा कि सर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में कुछ बताइए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बताइए, कब तक इसकी परीक्षा हो सकती है। तो दोस्तों मैं आज सबसे सही और सबसे सटीक न्यूज लेकर आया हूं और बहुत से अभ्यर्थियों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा कैसे होगी जब इसका मामला कोर्ट में है। तो दोस्तों आयोग परीक्षा कराने के मूड में है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। दोस्तों एक बैठक होनी है, बैठक के बाद तिथि घोषित कर दी जाएगी और दोस्तों
तिथि की सूचना आपको कब तक मिलेगी इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। सेकेंड वीक फरवरी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आपको सूचना मिल जाएगी। और दोस्तों जहाँ तक आचार संहिता वाली बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो और जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कार्य प्रक्रिया में है, उस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका एग्जाम होगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी या लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता जब तक लागू रहेगा, जब चुनाव होगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। जो कार्य होते हैं वह कार्य निरंतर चलते रहते हैं जो प्रक्रिया में होते हैं। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फरवरी के सेकंड वीक या थर्ड वीक में आपको यह सूचना मिल जाएगी, इतने तारीख से इतने तारीख को आपकी परीक्षा है। तो दोस्तों जितने एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं, वह सभी मेहनत से तैयारी करें। जो पेपर पहले हो चुके हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के हुए हों, चाहे वीडियो के हुए हों, जो भी परीक्षा, चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर के हुए, सबका पेपर उठा लीजिए, उसको देख लीजिए किस मॉडल का पेपर आ रहा है, उस अनुसार आप तैयारी करिए और परीक्षा दीजिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आरसीएन न्यूज चैनल हमेशा आपकी मदद करने का प्रयास करता रहेगा। और अब आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का रिजल्ट कब तक घोषित किया जा सकता है। बहुत से अभ्यर्थियों ने आरसीएन न्यूज चैनल पर कमेंट करके पूछा था कि सर बता दीजिए कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब तक घोषित किया जा सकता है, कोई संभावित तिथि ही बता दीजिए। तो जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जो आरसीएन न्यूज चैनल बताता है वह सटीक और सही बताता है। इसलिए मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं, जो सही और सटीक न्यूज चाहते हैं, वो आरसीएन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आरसीएन न्यूज चैनल कोई भी वीडियो अपलोड करे एजुकेशन संबंधित, गवर्नमेंट जॉब संबंधित, आपसे संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कब तक फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट घोषित हो सकता है। दोस्तों फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक तक घोषित हो सकता है। और जहां तक रही आचार संहिता की बात, आचार संहिता का प्रभाव फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। जो कार्य प्रक्रिया में होती है उस पर आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं बार बार बता रहा हूं। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट करके आप पूछते हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, रिजल्ट नहीं आ पाएगा, चुनाव आने वाला है। तो दोस्तों यह लोकसभा का चुनाव ना कि राज्यसभा का, जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन डेट रहेगा, इस दिन वोट पड़ेगा, आचार संहिता का प्रभाव उसी दिन रहेगा। लेकिन जो कार्य प्रक्रिया में होता है उस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं होता है। आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के प्रथम सप्ताह तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग चिंता ना करें, जितने फॉरेस्ट गार्ड में एग्जाम दिए हुए अभ्यर्थी हैं, अगर आपको सही और सटीक न्यूज चाहिए तो आरसी न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।